क्या इस बार रेलवे ठंड के मौसम में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने वाली है? अगर बढ़ाने वाली है तो कौन सी ट्रेन में आपको यह सुविधा देखने को मिलेगी? साथ ही इस वीडियो को करते हैं शुरू। आज का हमारा ये अपडेट है भागलपुर से होकर गुजरने वाली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन के डिटेल्स के ऊपर। इस वीडियो में बढ़ेंगे आगे, उससे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब आने वाली नई ट्रेनों का अपडेट के लिए, और उसका सारा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। इसके अलावा भी कोई सवाल या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे क्वेरी या कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं। भागलपुर जंक्शन होकर गोड्डा से दिल्ली तक जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो चुकी थी, और ऐसे में इस ट्रेन के अक्सर यात्री कहते हैं कि इस ट्रेन की गति काफी धीमी है अगर गोड्डा से भागलपुर की बात की जाए तो। बाकी भागलपुर से दिल्ली के लिए यह ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में चलती है, जिससे सुविधा बेहतर मिलती है। लेकिन गोड्डा से दिल्ली जाने के दौरान यह ट्रेन जब भागलपुर पहुंचती है तो काफी ज्यादा समय लगाती है। साथ ही रांची एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड भी बढ़ाने की योजना है, और दोनों ही ट्रेनों के परिचालन इलेक्ट्रिक इंजन से होनी है। इसके लिए रेलवे की ओर से कवायद चालू है, और भागलपुर होकर गोड्डा से चलने वाली इस हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन के बाद भागलपुर रांची एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत इलेक्ट्रिक इंजन से की जानी है। वर्तमान में दोनों ही ट्रेनें डीजल इंजन से चल रही है, और यही बड़ी वजह है कि यह ट्रेन को ज्यादा समय लगता है भागलपुर आने में। जल्द इस ट्रेन को डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन लगाकर चलाया जाएगा, और इलेक्ट्रिक इंजन से चलने के बाद करीब करीब 1 घंटे से ज्यादा की बचत होने वाली है। रेलवे के अधिकारी का कहना है कि मंदार हिल सेक्शन के सिंगल लाइन का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, और इलेक्ट्रिक इंजन से जब हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, इसके अलावा गोड्डा होकर उन तमाम ट्रेनों का इलेक्ट्रिक इंजन से परिचालन होगा, तो जाहिर सी बात है कि पैसेंजरों की सुविधा में और भी बढ़ावा मिलेगा, और इसके अलावे इस रास्ते से होकर चलने वाले उन लोकल यात्रियों को भी बेहतर विकल्प मिल पाएगा। क्योंकि अगर अभी बात की जाए ट्रांसपोर्ट से, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप भागलपुर से गोड्डा जाते हैं तो ट्रेन से ज्यादा स्पीड में तो बस ले जाता है, तो ऐसे में आने वाले समय में यहाँ पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जानी चाहिए। और अगर बढ़ाई जानी चाहिए, अगर आप इस पर सहमति देते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखें। इसके अलावा आपको बता दें कि इन दोनों ही ट्रेनों के अलावे भागलपुर से होकर वो तमाम ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही है, जिसमें समय की बचत के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण नहीं होती है। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ये अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और नई ट्रेनों की डिटेल्स के लिए इंडियन रेलवे के आरको चैनल को कर लें सब्सक्राइब।